गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इस समय क्राबी में, थाईलैंड क्राबी में, बैंकॉक से करीब 1000 किलोमीटर दूर जो थाईलैंड का साउथ दक्षिणी हिस्सा है, मलेशिया से सटा हुआ, वहाँ पे हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का एक बहुत ही ख़ास कारण है, क्योंकि कई दिनों से मन में कुछ चल रहा था और मेरे कई जानने वाले मित्रों ने, बड़े भाइयों ने मुझे कुछ वीडियो भेजे, कुछ लोग जो ना जानकार थे उनके भी वीडियोस आए, और वो वीडियो देख के बड़ा दुख लगा। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जो एक कोई सज्जन थे, नाम उनका मुझे नहीं मालूम, उन्होंने बैंकॉक के एयरपोर्ट से एक वीडियो शेयर किया था करीब आज से 15 या 20 दिन पहले, जो कि वायरल हुआ था, सर्कुलेट हुआ था, कि इंडियन करेंसी थाईलैंड के एयरपोर्ट पर चेंज नहीं हो रही, थाईलैंड में कहीं भी इंडियन करेंसी चेंज नहीं हो रही। और अब जिन लोगों के पास इंडियन करेंसी है, उन लोगों को तो या तो US डॉलर देने पड़ेंगे या वो किसी दूसरी करेंसी का अरेंजमेंट करें, और उनकी करेंसी जो कि इंडियन भारतीय मुद्रा थी वो नहीं चलेगी। ये बात तो वो कर रहे थे बैंकॉक के एयरपोर्ट की, जो कि सेंट्रली थाईलैंड में बना हुआ है। और अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं इस समय बैंकॉक से करीब 1000 किलोमीटर दूर कराबी के किनारे पे हूँ, और यहाँ मैं आपको 2 या 3 एक्सचेंज दिखाऊंगा जहाँ धड़ल्ले से इंडियन करेंसी चेंज हो रही है, जो इस बात का सबूत है कि जो वो सज्जन थे, जो वो कह रहे थे, वो बिल्कुल सरासर झूठ था और बेसिर पैर और बिना किसी बात की कहानी थी। मैं इस समय आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये कासिकॉन बैंक, थाईलैंड का एक बहुत नामी बैंक है, वन ऑफ द लीडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट लीडिंग बैंक है। इसका नाम कासिकॉन बैंक है, और इसके ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उस दिन भी वीडियो में यही इस बैंक को भी दिखाया गया था कि ये बैंक भी पैसे लेने से मना कर रहा है। मैं आपको इनकी, आप इसमें इस सीक्वेंस में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको INR यहाँ पे फ्लिकरिंग के साथ में चेंज होता दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ये INR का प्राइस जो है, INR खरीदने का प्राइस इनका 1000 रुपये पे 334 बाहत के ऊपर है, और जो उनका बेचने का प्राइस है वो करीब 43 रुपये के आसपास है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये 34 पैसे का ख़रीदा जा रहा है और 42 पैसे का बेचा जा रहा है, यानी कि 1 रुपये का दाम 34 पैसे और 42 पैसे मिल रहा है थाईलैंड के पैसे के हिसाब से। ये तो पहला गवर्नमेंट बैंक का एक्सचेंज हो गया। ये आप देख सकते हैं, मैं कराबी के बीच में हूँ, और मैं आपको अब दूसरा एक्सचेंज दिखाऊँगा जहाँ स्थिति कमोबेश यही है, पैसे का दाम ऊपर नीचे हो सकता है पर करेंसी धड़ल्ले से चेंज हो रही है। उनके आउटर लिस्ट पे लिखा हुआ है कि कौन सी करेंसी कितने रुपए की है, जिसमें डॉलर्स भी हैं, जिसमें येन भी हैं, जिसमें यूरो भी हैं, जिसमें थाई बात भी हैं, जिसमें INR भी है। मैं आपको पहले ये सारी बात बता दूं, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस बात के पीछे कारण क्या है। जो एक 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 मेजर पोर्शन ऑफ द सिटीजन, नागरिकों का एक बड़ा नंबर है, वो समझता है कि ये क्या है। आप देख सकते हैं, ये एक एक्सचेंज है, ये एक प्राइवेट करेंसी एक्सचेंज है। मैंने आपको गवर्नमेंट बैंक का प्राइस दिखाया, अब मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दुकान पे ऑलरेडी कुछ ग्राहक खड़े हुए हैं। तो जैसे ही ये लोग इस दुकान से हटते हैं, तो मैं आपको इंडियन करेंसी का प्राइस यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या है।
और वो लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये बात सच या झूठ है। तो तब तक आप इस बच्चे को देखिए, ये एक बहुत प्यारा बच्चा है। बाय बाय। अब ये इस दुकान से कस्टमर जा चुके हैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये दुकान मेरे पीछे खाली है, ये एक्सचेंज है, और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं आपको बड़े करीने से दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो यूएस डॉलर है। यूएस डॉलर ख़रीदने बेचने का दाम, इसमें इंडियन करेंसी का दाम करीब 10वें नंबर पे लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इंडियन करेंसी INR 1 रुपये के 39 थाई भात पैसे आपको मिलेंगे, या 100 रुपये के 39 थाई भात मिलेंगे। ये करीब वही रेट है जो इस समय इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज के किसी भी पोर्टल पे आप देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं कि ये एक करेंसी एक्सचेंज है, जो कि इस समय ये आप देख सकते हैं आवनांग बीच रिजॉर्ट कराबी के मेन आवनांग बीच पे, ये एक 4-स्टार होटल है, ये उसका गेट है, और उसके बगल में बना हुआ एक्सचेंज है। ये किसी मेरी अपनी करी हुई, कोई मैंने पैसे इनको पैसे दे करके किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए ये काम नहीं कराया है। मैं आपको फिर दिखा दूं कि इसके ये इनकी लिस्ट है, ये इनकी लिस्ट के 10वें नंबर पे इंडियन करेंसी इंडियन रुपी, ये आप देख सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण सिर्फ एक है कि जो लोग शरारत बदमाशी और अफवाहें फैलाने के लिए ये कहना चाह रहे थे कि थाईलैंड में करेंसी चेंज नहीं होती, मेरे कई दोस्त जो ट्रैवल एजेंट हैं मेरे साथ मेरी इंडस्ट्री में, वो ये कहना चाह रहे थे कि उन्होंने मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी लिख के बताया और मुझे पर्सनली भी फ़ोन करके कहा कि उनके भी क्लाइंट थाईलैंड ट्रैवल करते हैं और वो कभी भी कहीं भी पैसे चेंज करा लेते हैं, इंडियन करेंसी चेंज होती है, कोई इसमें शुभा कोई शिकायत कोई परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आज बनाने के पीछे खास कारण यही था कि जो इस तरह की शरारती बातें हैं, जो लोग देश की प्रतिष्ठा देश की अस्मिता देश का रेपुटेशन नीचे गिराने के लिए अफवाहें फैलाते हैं, बातें बना करके वीडियो को वायरल करते हैं, उनको नज़रअंदाज करें, उनको किसी भी तरीके से अपने मकसद में कामयाब ना होने दें, ताकि आपके देश की प्रतिष्ठा वैसी बची रहे कि आप भी अगर अपने पासपोर्ट को लेकर के इंडिया से बाहर निकले तो लोग आपके पासपोर्ट की इज्जत करें। बड़ा आसान है अपने देश के लिए गाली देना, पर अपने देश की इज्जत को बचा के रखना, उसे जो सच है उसे बताना बड़ा मुश्किल काम है। मैं पिछले 15 दिन से इस बात का जब्त किए बैठा था, इस बात को होल्ड किए बैठा था कि मैं जब बैंकॉक से कहीं दूर जाऊंगा तब इस सच को दिखाऊंगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो कुछ भी था वो झूठ था, गलत था। मैं 1 या 2 दिनों में बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचूंगा, तब मैं वहां से भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा कि वो जो भी था वो किसी एक पर्टिकुलर दिन में किसी एक खास दिन में मुझे बताया गया था कि इंटरनेशनल पोर्टल उस दिन करेंसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो शायद उस दिन ऐसा हुआ हो सकता है। बाकी सबके लिए सूचना यही है, खबर यही है, न्यूज़ यही है कि इंडियन करेंसी पूरे धड़ल्ले से पूरी इज्जत और पूरे शान आन बान के साथ चेंज हो रही है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रुपया उतना ही स्ट्रांग है जितना पहले था, आप लोग अब उस रुपए को लेकर के निकल सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए, भारतीय मुद्रा विनिमय कानून के तहत आप अपने साथ इंडियन करेंसी भारत से बाहर जाते हुए सिर्फ 10,000 रुपये लेकर के जा सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कानून के किसी पचड़े में किसी कानून किसी धारा का उल्लंघन ना करें। आप विदेशी मुद्रा चेंज करा करके लेके जाने के लिए स्वतंत्र हैं, पर इंडियन करेंसी भारतीय मुद्रा आप सिर्फ 10,000 रुपये लेकर के जा सकते हैं अपने साथ भारत के किसी भी एयरपोर्ट या किसी भी इंटरनेशनल डॉक से, चाहे आप समुद्री रास्ते जाएँ चाहे हवाई रास्ते जाएँ, आप सिर्फ 10,000 रुपये लेके जाने के लिए कानूनी रूप से आपको मान्यता है। उसके ऊपर जो आप लेकर के जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। मैं सब भारतीयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसा ना करें।
बाकी सब लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, ऐसे जो भी खबर थी वो गलत थी, वो दाढ़ी वाले सज्जन जो भी बात फैला रहे थे वो गलत थी, वो उसमें बिल्कुल भी सच नहीं है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।